Hello everyone. So 2021 is almost over and here is something that you need to keep in your mind. जैसे ही आप next year के लिए plan करते हैं, this is specially for all of you जिनका 2022 में job लेना ये एक goal है और ये top पर है आपकी list में. So in this video, I would like to share some things with all of you. Want to encourage you कि 2022 में आप ऐसा क्या different कर सकते हो या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से you will be able to achieve your goal. आप लोग job को जिसके बारे में कब से ड्रीम कर रहे हो ले सकते हो. सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. जो मुझे नहीं जानते, आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हूँ अनअकैडमी पर. यहाँ पर भी मेरे वीडियोस होते हैं. सब्सक्राइब कर ले चैनल को इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो लाइक और शेयर करना ना भूलें. So as I mentioned, as आपने देखा होगा टाइटल में और थंबनेल में, the thing that you need to tell yourself every day, अब एक काम करना, इसको कहीं बहुत अच्छे अक्षरों में लिख कर put it somewhere जहाँ पर आपकी डेली नज़र जाती है. अगर मैं होती तो मैं इसे लिख कर एक स्टिकी नोट में या एक पेपर पर, I would have put it on my mirror. क्योंकि मिरर हम सभी रोज देखते हैं. ओके, सो डू दैट. इससे क्या होगा ना कि आपको ये रिमाइंडर मिलता रहेगा डेली कि आपको क्या करना है. या फिर आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर भी नोट्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी ये लगा सकते हो. ओके, सो यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई नीड टू स्टेप अप माई गेम. ओके, वेरी सिंपल. आई नीड टू स्टेप अप my game. Okay, this will remind you कि आपको daily improvement करना है. Now there is something that happened this year 2020 maybe 2021 maybe कि बहुत ज़्यादा हम घर से बाहर नहीं निकल पाए. हमारा जो study का preparation का style था उसमें changes आए. बहुत सारे students online options के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा है ये. It's like the best thing possible अभी के समय पर कि आपकी preparation आप घर बैठे जैसी flexibility के साथ करना चाहते हो, you can do it. ये आपके personal बातों के लिए भी और ऑफ कोर्स आपके करियर रिलेटेड के डोमेन के लिए भी एक ईज लेकर आता है. बट व्हाट हैज़ आल्सो हैपेंड, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट मैनी ऑफ अस वी हैव गॉटन इनटू दैट कंफर्ट जोन. क्या होता है ना, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर इन अ पजामाज इन द कोजीएस्ट प्लेस पॉसिबल, हमारे कमरे की, घर की, और वहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. हो सकता है कई बार हम खाते खाते हैविंग सम स्नैक्स उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. कई बार हो सकता है बैकग्राउंड में टेलीविजन चल रहा है या कहीं पर गाने बज रहे हैं या कई बच्चे म्यूजिक ऑन करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. थोड़ा बहुत चलता है जब तक लगा लिए कुछ क्वेश्चन हमने क्वांट्स के या फिर इंग्लिश का एक सेट कोई सा सॉल्व कर लिया. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शुड नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट. यू नीड टू रिमेम्बर दैट. ओके, कभी भी ऐसा मत होने दो कि आप कंफर्ट जोन में चले जा रहे हो एंड उसकी वजह से फिर आप जो है अपना 100% नहीं दे पा रहे. तो व्हेन यू सी दिस नोट एवरी डे, आई नीड टू स्टेप अप माय गेम, दिस शुड आल्सो रिमाइंड यू कि किस तरीके से यू आर सपोज टू मेक श्योर कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक ऐसे जोन में पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, ऐसे जोन में अपने टारगेट के लिए आप वर्क करो, एफर्ट्स करो, जो कि एक सीरियस मोड हो आप लोगों के लिए. यू शुड गेट सिंसियर एंड सीरियस नाउ. ओके, यू पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पर अगर आपके पास में स्टडी टेबल है, मेक श्योर कि आप वहीं पर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो. आई नो इट कैन बी टायरिंग बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस फॉर यू. फ्यूचर में जब आप एक पोजिशन ले लोगे एक बैंक में, यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स. ओके, तो वो चीज़ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी. एनीवेज, स्टडी टेबल का यूज़ करो. अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, गेट दैट स्मॉल टेबल जिसको आप अपने बेड पर रख सकते हो या नीचे रख सकते हो, दैट फोल्डेबल वन, सो उसका यूज़ करो. वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए जस्ट मेक अ स्टडी प्लेस फॉर योर सेल्फ, कोई भी छोटा सा कॉर्नर जिसमें आप ना बहुत आराम से नहीं बट देन इस तरह से कि समबडी इज़ वॉचिंग यू,
राइट इमेजिन करो कि आपका टीचर आपको एक्चुअली देख पा रहा हो, तो आप कितने सिंसियरली बैठोगे उनके सामने, थोड़ी ना यू विल जस्ट कीप ईटिंग एंड टॉकिंग, बीच में कॉल आ गया फ्रेंड का, सो हमने थोड़े से गप्पे मार लिए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये बातें करेक्ट कर लो, ट्रस्ट मी आपका 2022 ब्राइट और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें होल्ड बैक कर रही है, हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग हर एक के साथ है, बट मैक्सिमम ऑफ अस दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन इवन विथ मी। येस आई एम एन एजुकेटर, बट देन इफ आई एम जस्ट इन माई कम्फर्ट जोन होल डे, तो मेरी इफेक्टिविटी पर, मेरे आउटपुट पर असर पड़ता है। तो आपको थोड़ा तो एक समय लो, ओके, जस्ट टेक आउट 1 आवर बिफोर यू गो टू बेड, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थिंक कि आपने 2021 में क्या मिस करा, ओके? इस बारे में थोड़ा सोचो कि कहाँ पर कमी रह गई, वट डिड यू मिस, और या ऐसा कहा जाए कि कहाँ पर लैक रह गया, ओके? फिर ये वाला कोट मुझे, मैं इनकरेज करूँगी, ऑफकोर्स आई कैन नॉट क्रॉस चेक, बट आई नीड टू स्टेप अप माई गेम, से दिस टू योर सेल्फ डेली। और अपने जो भी अभी तक का आपने काम किया है, आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए कुछ हो सकता है, यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग इट। तो हमें हर वीक, हर महीने इम्प्रूवमेंट चाहिए, ओके? हर दिन भी चाहिए, पर वो आप उसको उतनी बारीकी से फॉलो नहीं करोगे, मुझे पता है। तो एटलीस्ट आप एवरी वीक और मे बी एवरी फोर्टनाइट, एवरी मंथ, इसमें से किसी एक चीज़ का ट्रैक रख सकते हो। वी नीड इम्प्रूवमेंट, ओके? आई नीड टू स्टेप अप माई गेम, यू नीड टू स्टेप अप योर गेम, एंड देन ओनली आप 2022 में एक सिक्योर जॉब को ओन कर सकोगे, होल्ड कर सकोगे। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, कि 2022 को ऐसे मत जाने देना, शुरुआत से ही कुछ डिसीजंस लेकर चलो। इवन आई डोंट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि वो लेते सभी हैं, लेकिन होता कितना पूरा है, वी नो द रियालिटी। बट आप लोगों के लिए जो कि सीरियस हो अपने करियर को लेकर, फॉर यू ऑल जिन्होंने इतने साल में मेहनत करी है, बट फॉर सम रीज़न हम क्रैक नहीं कर पाए एग्ज़ाम, फॉर सम रीज़न छूट गया, तो वो जो रीज़न है, जब आप फिगर आउट कर लोगे तो ही आप उसको ओवरकम कर पाओगे ना, विक्ट्री तभी मिलेगी। सो इस बात को ध्यान में रह कर कि मेरा 2022 जो भी देश की कंडीशन हो, आसपास की कंडीशन हो, दोस्तों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, फैमिली में, उस सब के ऊपर टेक दिस टारगेट, ओके, एंड कीप दिस गोल इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू नीड अ जॉब, अ सिक्योर जॉब इन दिस ईयर। तो उसके लिए जो करना पड़े करेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपका सबसे बड़ा एनिमी जो है उसको हटा दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ज़रा, और एक सिंसियरिटी वाली स्टूडेंट लाइफ या एस्पिरेंट लाइफ पर आओ, डिसिप्लिन हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है? एंड दैट वे यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्ज़ाम जिसके ऊपर आपका कब से टारगेट लगा हुआ है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने मेरा मैसेज समझा हो, समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू शेयर फ्रॉम माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू, ताकि और कोई मिस्टेक्स हम कंटिन्यू ना करते रहें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन माई क्लासेस, ऑफकोर्स जो कि बैचेस के फॉर्म में है, अनअकैडमी पर है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि बहुत सारे मेरे कोर्सेज हैं जो जनवरी में भी प्लान्ड है, बैचेस हैं जो जनवरी में प्लान्ड है, और अब तो आइकॉनिक वाला फीचर भी आ गया है आप लोगों के लिए, दैट इज ऑन अनअकैडमी। सो यू कैन सी माई कोर्सेज, मेरे प्रोफाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मिल जाएगा। 1:30 PM पर हम मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बैंक एग्जाम कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, एंड 3 PM हम कर रहे हैं, 3 PM to 4:30 PM हम कर रहे हैं मेंस अगेन, और ये जो है दोनों प्लस के कोर्सेज, दिस इज अ न्यू कोर्स, और 1:30 पर 5th of Jan से नया कोर्स आ रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, जिनको होप है कि आपने IBPS PO मेंस देना है, क्लर्क मेंस देना है, इसके लिए आप लोग ये वाले कोर्सेज में ज़रूर आए। फेब्रुवरी से हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बिगनर्स के लिए बहुत कुछ होने वाला है फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स, सो यू कैन वेट अ वाइल, जब तक आप थोड़ा सा अपने अपने आप से कंटिन्यू करो, रीडिंग कंटिन्यू करो, वो कैप सीखते रहो, ओके? दैट्स समथिंग जो आपको खुद से करना है, सो वो वाली प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। अगर आप डिस्काउंट कोड देखना चाहते हो, राइट इन फ्रंट ऑफ यू इट इज NGM10 इज द डिस्काउंट कोड, यूज दिस कोड,
इसका यूज़ करें एंड गेट मैक्सिमम ऑफ। आपको सब्सक्रिप्शन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 12 मंथ्स, 24 मंथ्स बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं डिपेंडिंग कि आप किस वाले साल में एग्ज़ाम देना चाह रहे हो। बट थोड़े समय में IBPS कैलेंडर आ जाएगा हमारे पास और नोटिफिकेशंस भी आने के चांसेस हैं। सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग, PDF, मॉक टेस्ट सब यहाँ पर अवेलेबल है और आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। बाकी तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है 2022 के लिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस ईयर विद टन्स ऑफ एनकरेजमेंट, विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन कि इस साल हम करके रहेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, इट इज़ मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ से लिंक का यूज़ करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड।